शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मुझे बचपन से ही शौक था लिखने का और मैं बहुत कविताएं और शायरी लिखती रहती थी, पर पता नहीं कब किन दिनों में गुरु जी के लिए भी एक डायरी बना ली लिखते लिखते, और बहुत सारे उनके लिए भजन लिखने शुरू कर दिए और सिर्फ गुरु जी को ही बैठ के सुनाती रहती थी या अपना अकेले में बोलती थी। पर इस बार जब ये वाला भजन लिखवाया गुरु जी ने कि चानन हो गया, तो मैंने गुरु जी को बोला, दो तीन बार मैंने गुरु जी को सुनाया, तो मैंने कहा गुरु जी क्या मैं गा सकती हूँ। गुरु जी ने एक ही मेरे को अंदर से बार बार दो तीन बार आवाज आई, जा मौज कर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी गा सकती हूँ, थोड़ी ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने रिकॉर्डिंग करी और मैंने किसी को भेजी, तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है आप गा सकते हो। फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसकी रिकॉर्डिंग कराते हैं। अब ये रिकॉर्ड भी हो गया, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसको शूट कैसे करें, क्योंकि लग रहा था कि कुछ अमाउंट है या जो भी इफेंट बढ़ते मन में। तो मुझे लगा हम इसको खुद ही शूट कर लेंगे, बना लेंगे और यश बेटे से बोलेंगे तू जरा वीडियो शूटियो बना दे। फिर मेरे अंकल ने बोला और मेरे बेटे ने बोला, जब इतना अच्छा गाना शूट हो गया, भजन हो गया, तो उसको शूटिंग भी अच्छी करा लो, क्यों सोचना, एक बार कर लो। पर हमने नहीं सोचा था गुरु जी महाराज इतना प्यार करेंगे और पूरी संगत और पूरे गुरु परिवार ने इतने एफर्ट्स करे हैं इसमें कि मतलब ऐसे हर एक के ये मैसेज आ रहे हैं कि गाना तो जो था उसमें सबने जान ही डाल दी है, इतनी ज्यादा जान डाल दी है। और आज मैं सुबह से मैं देख नहीं रही थी बार बार, मैं अंकल से कहती बार बार मत देखो उसमें, पर हर एक घंटे में गुरु जी ने 100 करके व्यूज दिए और अभी तक 5000 लोगों ने देख लिया और 1000 से ऊपर व्यूज हो गए 8 घंटे में 9 घंटे में। गुरु जी इतना तो आप किसी सिंगर को ब्लेस नहीं करते हो, हमें बाथरूम सिंगर को अपने क्या से क्या बना दिया, ये सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं। तो